जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने एक बार फिर से राजद के ऊपर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सपने में टूट का सपना आता है, अभी हार के सदमा से बाहर नहीं निकले हैं। राजद के ऊपर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वो सपने में देख रहे हैं कि जेडीयू टूट रही है। जिस तरह से सवाल उनसे हो रहे थे, मीडिया ने उस वक्त सवाल किया, तो उन्होंने जोरदार हमला किया है राजद के ऊपर और कहा है वो अभी हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं। और मकर संक्रांति के मौके पर भी उन्होंने कहा कि आज से हर शुभ काम किए जा सकते हैं, यानी इशारा कैबिनेट विस्तार को लेकर था। और कह सकते हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए। क्या भाई, आपके यहाँ से यहाँ कितना आवेदन बदला है? देखिए ये पवित्र पर्व और कोरोना के चलते ही इस बार हमने नहीं इसको किया। हम मानते हैं कि वर्ष के प्रारंभ ये भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा काम जो समाज का होता है वो संक्रमण खत्म हो और सूर्य का प्रभाव भी चला गया। तो ये पर्व खरवास को लोग मानते हैं कि खरवास जिस दिन खत्म हो, और इसकी विशेषता सबसे ज़्यादा यही है कि जब किसानों के घर में अनाज चला आता है तब यह पर्व मनाया जाता है। आ यही एक ऐसा महोत्सव है देश में जो देश के कोने कोने में ये मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, कहीं खिचड़ी के नाम से, और असम में बिहू के नाम। तो ये शुभ काम जब शुरू होता है तो इस दिन से एक खाने पीने का माहौल इसलिए बनाया जाता है। इनमें सभी चीज़ें जो भारत में यानी इस देश के ज़मीन में पैदा होती वही इसमें उपयोग होता है। कुछ राजनीतिक हलचल भी पड़ता है? राजनीतिक हलचल तो जब आप बहुत लोग मिलेंगे तो समाज में सभी तरह की बात होती है। अब इसी में देखिए सभी तरह के वर्ग के लोग इकट्ठा है। जयकुमार जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आयोजन किया इस ढंग का और सारे साथियों से मिलने का मौका मिला। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जदयू में बड़ी जीत होगी, क्या कुछ? देखिए महागठबंधन के लोगों का लगता है कि सपना ही खाली देख रहे हैं, और सपना में अजीब अजीब तरह से उनको लगता है कि चुनाव को अभी तक भूल नहीं पाए, और उनको लगता है कि अभी तक चुनाव ही चल रहा है। अरे चुनाव में जितना कसरत करना था किए, और अब कल्पना के सागर में जाने की जरूरत नहीं। अब तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, अब संतोष कर लेना चाहिए। अब रचनात्मक भूमिका विपक्ष के द्वारा जो अपनाया जाना चाहिए वह करना। टूट-फूट होगी बिहार में? बिहार में पॉलिटिकल टूट-फूट होगा? देखिए हम लोग किसी पार्टी को तोड़, हम लोग कम से कम किसी पार्टी के तोड़ने में विश्वास नहीं करते, और जब तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ लोग जो इसमें विश्वास करते हैं अपने कारण से जो टूटता है हम नहीं करते, लेकिन हम लोग टूटने में तोड़ने में विश्वास नहीं। दादा खरमास खत्म हो रहा है, ऐसे मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे, क्या होंगे तो कब तक हो सकता है? हमको लगता है कि बहुत देर नहीं लगे, और चूंकि इस परिधि से हम अपने को बाहर इसलिए मानते हैं, सरकार तो मुख्यमंत्री जी गठन करते हैं, सहयोगी सब लोग मिल करके गठन करते हैं, और स्वयं जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि बातचीत अब होगी और इसके बाद जल्द
बीजेपी लिस्ट नहीं भेज रही है, सीएम साहब बोले थे। देखिए उस पर तो मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, फिर हमको रिपीट करने के। सर जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो कई सारे ऐसे नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, मांगी छोड़ के दूसरे पार्टी में टिकट मिला। अब वो तमाम लोग आज छोड़ादही के मौके पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या हर वापसी संभव है वैसे नेताओं का? अच्छा देखिए ना क्या कहिएगा, ये वो न्यूज निकला है कि कांग्रेस के हारे हुए आदमी से दू चार गो पहुँचे हैं, हारे हुए सारा आदमी तब वो जगह सब न इधर उधर देख रहे हैं कि वो आए ही नहीं, तो वो आना स्वाभाविक है। कभी रियलाइज हो जाता है लोगों को कि हमने गलती किया। कभी देखिए घर वापसी तो जिन लोगों ने भी विरोध किया उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो विरोध करने के बजाय वो कठोर कार्रवाई करने की। अच्छा बीजेपी के लोग जो जिस ढंग से अपराध की घटना हो रही है उसको लेकर सरकार को निशाना साध रहे हैं? देखिए एक साथ घटना के लिए निशाना इस पर चिंतित कौन नहीं है, यदि अपराध यही हुआ है मान लीजिए रूपेश तो वही चिंतित नहीं है, हम लोग भी चिंतित हैं। और ऐसी चीज़ें नहीं हो इसके ऊपर सरकार सचेष्ट है, जागरूक है और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है।